कई बार एक बड़ा सा इशारा करती है। जी हाँ, छोटी सी चीज, एक छोटी सी चीज से एक बड़े मर्डर का पता चल जाता है। मगर इसमें, इस वाले केस में कुछ भी पता नहीं था, बस एक फूली हुई सी लाश मिली। देख के ही पता चलता था काफी दिन से पानी में डूबी हुई है। अच्छा, लाश देख के डॉक्टर सारुं के काफी कुछ बता देते हैं, मगर इस बार वो भी चकमक आ गए। समझ में नहीं आया कि करें तो करें क्या इस फूली हुई लाश का। बाद में पता चला कि वो आदमी कहां काम करता है। तब ऐसा लगा कि ये केस आगे बढ़ने की बजाय शायद यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि जिस आदमी का नाम इसमें सामने आया वो इतना बड़ा और इतना मशहूर आदमी था कि 10 बार सोचना पड़ा कि इसे पकड़ा जाए कि नहीं। फिर सोचा कि देखा जाएगा, पूछे तो सही कहानी क्या है। तब तक वो आदमी गायब हो गया, हम भी भागे उसके पीछे बीजापुर तक। और आपको विश्वास नहीं होगा वहां पे क्या हुआ। वो आदमी तो मिला नहीं, मिली तो सिर्फ उसके खून की कुछ बूंदें। जी हां, खून की सिर्फ कुछ बूंदें। सारे घर में ढूंढ रहा था। वाओ, दिस पेंटिंग इज सो अमेजिंग। पता है पापा, आपने ये पेंटिंग कुछ ऐसी बनाई है कि जो भी इसे एक बार देखेगा ना, इसकी तरफ खींचा चलाएगा। और आपको पता है पापा, इस पेंटिंग के आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। आपने फिर से वो जादू कर दिया जो आप पहले किया करते थे। अकेले छोड़ देना चाहिए, चले? ठीक है, बाय पापा, सी यू। सर, इस मास्क के अंदर थोड़ा सा यूडिकुलम और डालोगे तो ही इसकी बदबू कम होगी सर। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो जाऊंगा। वो स्टील की टेबल पड़ी है, वहां जाकर के बेहोश हो जाओ। जा। अरे आपको मजाक सुन रही है, यहाँ लेने के देने पड़ रहे सर। तो बाहर चले जाओ ना, किसी ने कहा यहाँ पर पड़े रहने के लिए। ठीक है, चला जाता हूँ, चला जाता हूँ, वापस नहीं आऊंगा, चला जाता हूँ। अरे ए, देखो अंदर मत आना, अंदर मत आना, चलो बाहर, बाहर चलो। अरे ले बॉस, ये मारा गया आज। अरे नहीं नहीं इधर मत आना, मौसम बहुत खराब है भाई यहाँ।
अरे आगे मत आओ, कुछ हो जाएगा। ठीक है, आई गयो तो ये लो, ये मास्क पहन लो। नहीं तो सूंगो, फिर आराम से सूंगो। अरे कहा था मास्क पहन ले, मगर ये भाई साहब मानने को तैयार नहीं थे। हाँ तो सुन के, बॉडी काफी फुली हुई है। हाँ बस, इसकी मौत 4 दिन पहले हुई। 4 दिन पहले? शरीर में पानी भर गया। पर ये मरा कैसे? दया, इसकी छाती पर मतलब दिल के पास किसी चीज से वार किया गया। देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ। सड़न के पता चल सकता है किस चीज से मारा इसे? वही तो मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा हथियार मैंने आज तक नहीं देखा। बस ये देखो, ये इस तरह से दिखने वाले हथियार से मारा होगा इसे। तो अजीब किस्म का चाकू दिखता है ये। ये तो अजीब है ही, एक और चीज है जो अजीब है। देखो ये देखो, इसके घाव पे से मुझे ये हरा पेंट मिला। ये पेंट चाकू में लगा था? लगता तो ऐसा ही। शायद ये चाकू पेंट करने के काम आता होगा। मतलब हमारा खूनी कोई पेंटर या आर्टिस्ट है? हो सकता। इस तरह का चाकू कहाँ मिलेगा? और कहाँ मिलेगा, स्टेशनरी की दुकान पर। सर बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, ये चाकू पेंटिंग करने के काम में आता है। चित्रकार लोग इसका इस्तेमाल एक कलर को दूसरे कलर में मिक्स करने के लिए करते हैं। तुम ये बताओ कि तुम इस तरह के चाकू बेचते हो? हाँ सर, बाहर से मंगवा कर बेचता हूँ। मतलब काफी महंगा होगा? हाँ सर, ये महंगा होता है, इसे सिर्फ बड़े आर्टिस्ट खरीद सकते हैं। अच्छा, ऐसे कौन कौन से पेंटर्स हैं जो इस तरह के चाकू खरीद सकते हैं? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रणव जी हैं जिनका बड़ा नाम है, और बड़े बड़े आर्टिस्ट उनके पास आकर अपनी पेंटिंग्स बेचते हैं। उनका एड्रेस तो होगा ना आपके पास? प्रणव ये देखो, अब तुम तो आर्ट और पेंटिंग में एक्सपर्ट हो, क्या बता सकते हो ये किस तरह की नाइफ है? सर ये कोई मामूली चाकू नहीं है, और ये सिर्फ नाम के लिए ही चाकू है। इसे सब बड़े बड़े पेंटर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर बात क्या है? बात ये है कि एक खून हो गया है, और खून ऐसे ही चाकू से किया गया है, तो हमें लगता है कि शायद ये खून किसी, आपको लगता है शायद किसी पेंटर ने किया है, राइट? प्रणव हम ये कहना चाहते हैं कि क्या तुम किसी ऐसे पेंटर को जानते हो हमारे शहर में जिसके बारे में हम ये कह सके? यू नो व्हाट आई मीन, मतलब सर दुनिया का सबसे मशहूर चित्रकार वैन गो, बेचारा दिमागी हालत से परेशान रहता था। कभी कभी तो उसे थोड़े दिनों के लिए एसाइलम में भी रखना पड़ा, लेकिन वो कोई खूनी वूनी नहीं था। उसे अटैक्स आते थे? सर उसके दिल में जो तूफान चल रहा था वो उसकी पेंटिंग में साफ दिखाई देता है। सर एक अजीब सी एनर्जी है इस पेंटिंग में, ये देखिए सर, करोड़ों रुपए की एक एक पेंटिंग है सर। वाकई कमाल की पेंटिंग। बेचारा इतना बड़ा पेंटर मगर दिमाग की बीमारी से परेशान। सर एक बार तो उसने अपना कान काट के ही दे दिया था। यही हम भी पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई आर्टिस्ट है जिसे ऐसे अटैक्स आते हो अचानक। सर हम भी इस धंधे में ही हैं, और सारे आर्टिस्टों की पेंटिंग मैं बेचता हूँ। सबसे अच्छे रिश्ते हैं, पर बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक आर्टिस्ट है जिनके बारे में मैंने सुना है, ये देखिए सर कितना वॉयलेंस भरा हुआ है इस पेंटिंग में, कितनी नफरत है। कुछ हो जाता है उन्हें? हाँ सर, कभी कभी हो जाता है इन्हें कुछ। किसकी किसकी पेंटिंग है ये? रविंद्र जी सर, बड़े पेंटर हैं, यही उन्हें बीच बीच में कभी कुछ हो जाता है तो इस तरह की पेंटिंग बनाते हैं। ऐसे ही और भी कोई पेंटर्स है? नहीं सर, बस यही है। रविंद्र जी? जी सर। रविंद्र जी चलो रविंद्र जी से मिलते हैं। बलवंत केचू। या केचू, पेंटिंग नंबर 36, आर्टिस्ट के बेरान। एक्सक्यूज मी। यस, क्या बात है? मैं इसे भी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी? ये
रविंद्र जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? जी वो तो बीजापुर गए हैं। बीजापुर किस लिए? बिजनेस के काम के लिए गए हैं। और कौन कौन है यहाँ पे? रविंद्र जी का बेटा राहुल और उनका बिजनेस पार्टनर यश, मगर वो लोग भी नहीं है यहाँ पर। ये रविंद्र जी की पत्नी है? जी। आप कौन है? मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, मैं यहाँ पर सारा काम देखती हूँ। अच्छा, रविंद्र जी तो बहुत जाने माने पेंटर है। जी हाँ, उन्हें हर कोई जानता है। तो पेंटिंग करते समय वो ये वाला चाकू इस्तेमाल करते? एक मिनट। सर, आप लोग ये पूछताछ क्यों कर रहे हैं? एक खून हो गया है। खून? आप जरा ये देखिए, इस आदमी को पहचानते हैं? नहीं, इसका तो पूरा चेहरा बदल चुका है। ठीक से देखिए, पहचानते हैं आप? ये मुझसे नहीं होगा। श्याम, श्याम शायद कोशिश कर ले। इधर आना श्याम, जरा ये फोटो देखो, पहचानते हो इस आदमी को? ये तो मानव जैसा दिख रहा है, देखना इसकी नाक के नीचे तिल भी है। ये मानव कौन? मानव यहाँ का मैनेजर है, मगर वो पिछले 4 दिनों से यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। 4 दिन से आ नहीं रहा है? और आप लोगों ने कंप्लेंट वगैरह नहीं लिखवाई? नहीं, हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है। ये रविंद्र जी का बर्ताव कैसे था मानव के साथ? ठीक ही था। तुम कुछ छुपा रही हो? रविंद्र जी थोड़े से सनकी थे, मगर वो किसी का खून नहीं कर सकते। वो तो पता चल ही जाएगा। सिर्फ इतना बताओ, ये मानव बैठता कहां था? यहां बैठता था मानव। सारा सामान पैक करके रखा हुआ है, लगता है कहीं भागने की तैयारी में था। एक्सक्यूज मी, मीना ने मुझे अभी भी बताया कि मानव का खून हो गया। आप कौन है? सर मैं रविंद्र जी का बेटा राहुल। राहुल, तुम्हें अंदाजा है ये मानव यहाँ से छोड़ के क्यों जाने वाला था? मुझे नहीं मालूम सर। अच्छा, आप कुछ बता सकते हैं कि मानव का खून क्यों हुआ होगा? पिछले कुछ दिनों से मानव बहुत परेशान सा रहने लगा था सर। परेशान था? क्यों? अब पता नहीं, ऐसे ही। देखो, सब कुछ सच सच उगल दो, खून का मामला है, नहीं तो फंस जाओगे। बात यह सर कि किसी बात को लेकर मानव और पापा के बीच में झगड़ा हो गया था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? मुझे ये तो मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद मानव ने ऑफिस आना बिल्कुल कम कर दिया था। शायद वो नौकरी छोड़ के जा रहा हो। हमें तुम्हारे पिताजी से बात करना बहुत जरूरी है, जरा फोन लगाओ। मैंने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी सर, पर उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है? रविंद्र जी बीजापुर गए हैं, वहां का एड्रेस। हाँ बाबा, आ जाऊंगा। अरे आऊंगा ना, देखो अभी मैं बीजापुर में हूँ। अरे अरे उड़ के आऊँ क्या? अरे सुनो तो, सुनो, हेलो हेलो, यहाँ बीवी मुझे फोन पे डांट रही है और तुम हंसे जा रहे हो। ये साहब लोग अंदर गए, न जाने कब बाहर आएंगे। मैं तो मर गया। अभिजीत पूछो जरा। एक्सक्यूज मी, ये मिस्टर रविंद्र किस कमरे में है? उनसे बोलिए कुछ लोग मिलने आए हैं। आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। जी एक मिनट। रूम नंबर 7। जरा फोन करो। जी। कोई फोन नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहा है? रविंद्र जी कमरे में तो है ना? हाँ, कमरे में ही होने चाहिए। कमरे की चाबी तो यहाँ नहीं है। जी, कमरे में जाके देखें। सर एक मिनट, मैं हाउसकीपिंग से पूछती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। वो कमरा नंबर 7 वाला गेस्ट अभी रूम में ही है ना? नहीं तो कल शाम से नहीं था। कल शाम से नहीं थे? कल शाम से पापा कमरे में नहीं है, और तुम्हें मालूम ही नहीं। सर मैं कल शाम को ड्यूटी पर नहीं थी। आप नहीं थी तो फिर कोई और होगा।
बुलाओ उसे। जी सर। तो ये वो आदमी, इसने कल शाम रविंद्र जी को होटल से बाहर जाते हुए देखा। जी सर, रविंद्र जी कल शाम वॉक के लिए निकले थे। अच्छा, फिर? शायद वो जल्दी में थे इसलिए कमरे की चाबी वो साथ में लेके चले गए। कमाल है, कल शाम से आपके होटल का एक गेस्ट गायब है और आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे। अच्छा, अगर वो घूमने गए थे तो कहाँ गए? होटल के आसपास कोई जगह है? सर यहाँ पास में एक जंगल है, शायद रविंद्र जी वहाँ गए होंगे। अभिजीत, आदमी जब जंगल में घूमने निकलता है तो वो ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पर कोई रास्ता हो, है ना? तो रविंद्र जी अचानक जंगल में घूमने आएंगे कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, ढूंढते हैं रविंद्र जी को अच्छी तरह से। तुम लोग उस तरफ जाओ। प्रेडिक्स विक, इस तरफ जाना। राहुल यहीं पर रुकना है। पर भी खून मिला है। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये खून देखो। चश्मा, चश्मा पहचानते हो? ये तो पापा का चश्मा है, इस पर तो खून लगा है। क्या हो गया होगा पापा को? अभिजीत वो घड़ी दिखाओ। और ये घड़ी, ये किसकी हो सकती है, कुछ जानते हो? ये यश की घड़ी है। यश? पापा का बिजनेस पार्टनर। क्या वो भी तुम्हारे डैडी के साथ यहाँ आया था? यश तो गोवा में। गोवा में? अगर यश गोवा में है तो फिर इसकी खड़ी है यहाँ क्या कर? अरे रविंद्र की लाश अगर मिल जाती तो पता चल जाता ना कि हुआ क्या है। मामला बड़ा अजीब है, किसी ने रविंद्र का खून करने की कोशिश की मगर उसकी लाश को गायब कर दिया। अब हमें यह मालूम नहीं कि रविंद्र की मौत हुई है या नहीं। सर, यश के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा है। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। उसकी कार कल रात को इस शहर में घुसी है सर। अच्छा, ये तुम्हें कैसे पता चल गया? सर, शहर के बाहर जो चेक नाका है वहाँ फोन करके पूछा, उसकी कार का नंबर लिखा हुआ था। और तो उसके घर में घुसकर ही उसे पकड़ लेते? सर, घर पहुंचता तो पकड़ते ना। घर में नहीं है, ऑफिस में नहीं है, अपने दोस्तों के यहाँ नहीं है, एकदम अंडरग्राउंड हो गया है सर। अगर वो शहर में आया है और अंडरग्राउंड हुआ है, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। सर, उसकी घड़ी का बीजापुर में मिलना इस बात का सबूत है। लेकिन अभिजीत, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उसकी घड़ी ले जाकर के वहां बीजापुर में डाल दी। क्योंकि देखो, हमें पक्का मालूम नहीं है कि यश बीजापुर गया है भी या नहीं। सर, वो वहां पे गया था और उसी होटल में ठहरा था जहां पे रविंदर जी ठहरे हुए थे। क्या? हाँ सर, नाम बदल के ठहरा हुआ था। ऑफिस में बोल के गया कि गोवा जा रहा है मीटिंग में। मीटिंग में तो पहुंचा नहीं, सीधा बीजापुर पहुंच गया। यश की घड़ी हमें वहां मिलती है, घड़ी पर खून लगा हुआ, रविंद्र गायब है, ना उसकी लाश मिलती है ना उसके बारे में कुछ पता है। और हमें यह भी मालूम नहीं कि वो जो खून मिला है वो रविंद्र का है या नहीं। सर, वो खून रविंद्र का ही है सर। राहुल का डीएनए मैच हो गया है सर उस खून से। इसका मतलब है अटैक रविंद्र पे ही हुआ है। अब सब साफ हो गया सर। इस यश ने या तो रविंद्र जी को किडनैप कर लिया है या फिर मार के कहीं फेंक दिया। आप प्रेडिक्स। सर, यश का पता चल गया सर। गुड, वेरी गुड, पता चल गया। कहां पर है वो? सर,
वो जहाँ पे छुप के बैठा है उस जगह का पता चल गया सर। रेडिस मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। मैं देख सकता हूँ सर आपको। सर दरअसल बात यह है कि मैं जैसे ही ब्यूरो में घुस रहा था मुझे मेरे इन्फॉर्मर का फोन आया सर, मुझसे रहा नहीं गया सर, इसलिए मैंने जल्दी से आपको फोन कर दिया। प्रिडिक्स मैंने तुम्हें पूछा यश कहां पर है? सर वो अपने फार्म हाउस पे छुप के बैठा है। फार्म हाउस में? लेट्स गो। जी आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। यश जी घर में हैं? वो तो बाहर गए हैं। अच्छा कब गए? वो तो मालूम नहीं। झूठ मत बोलो। बस इतना मालूम है कि वो बाहर गए हैं। चलो हम खुद ही देखते हैं कहाँ गए। आप कहाँ? वो बाहर गए हैं। हम खुद ही। आप लोग कहाँ से चले आ रहे हैं? सर को अच्छी तरह से चेक करो। यश जी, अरे अरे आप कौन है? मैं वो यश जी का है। कौन है? सर यश जी के कोई मेहमान है, सूट बूट पहन के सो रहे हैं। ओ हो, यश जी के मेहमान है। अच्छा यश जी का वो मैं। हाँ विवेक सर, नौकर को लेकर आ। उसे रहने दीजिए, नौकर के सामने इज्जत उतर जाएगी तुम्हारी। हाँ चलो बैठो। हाँ जी बताइए, बीजापुर क्यों गए थे आप? बीजापुर? ये कौन सी जगह? अरे कौन सी जगह? रेडी दिखा जरा इन्हें। मैं तो खुद गोवा से आया अभी अभी। अगर तुम गोवा में थे तो तुम्हारी ये घड़ी बीजापुर में क्या कर रही? ये कहां से मिले आपको? ये तो एक महीने से खोई हुई थी, मैं खुद इसे ढूंढ रहा था। देखिए यश जी, हमें सब कुछ पता चल चुका है, समझे? बीजापुर, वो होटल, गलत नाम, जंगल में शहर और ये वॉच, सब कुछ पता चल चुका। अब अच्छा ये होगा कि आप अपने मुंह से सब कुछ सच सच बता दें कि क्या हुआ था बीजापुर में, समझे? बात ऐसी है कि वो रंजीत जी ने कहा कि चलो चलते हैं। कहा हुआ इसे? कुछ नहीं, एक्टिंग कर रहा है। बाद में पूछना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज में कभी नाटक में काम करता था क्या? ओए ओ उठो। अरे जी, यार हमें इतनी जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं भी कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया था। अच्छा तुम्हारे एग्जाम पर थे तो लोगों के हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बाहर आ जाती है। हाँ मगर ये तो बिना बोले ही मर गया। सारुखी ये चिल्लाने से मर गया क्या? बॉस अगर ऐसा होता तो लैब में हर रोज एक न एक लाश जरूर आ जाती। डॉक्टर साहब कहीं ये हार्ट अटैक से तो नहीं मर गया? कह नहीं सकता हूं, ऐसा लगता है कि ये देखो इसका मुंह अंदर से एकदम नीला पड़ गया है। बस मुझे लगता है किसी ने इसे जहर से मार दिया है। जहर से? मगर ऐसे कैसे हो सकता है सर? ये आदमी तो हमारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक था। शायद पहले से जहर इसकी बॉडी में होगा। जब हम इसके घर गए थे तो ये अंदर लेटा हुआ था बेड पर। हाँ सर मगर पसीना पसीना हुआ था। इसका मतलब जहर का असर शुरू हो गया था। पहले मानव रविंदर जी और अब ये यश। इसी भी प्रद्युमन या क्या? जरा फिर से बोलो, तुम सच कह रहे हो? अच्छा ठीक है हम आते हैं। दो ही खून हुए हैं।
मानो और ये यश। अरे तो फिर रविंदर जी? रविंदर वापस आया है। क्या रविंदर जिंदा है? आप लोग यहाँ? हाँ रो, तुम्हारे पिताजी से बात करनी है। पापा की हालत सब बहुत खराब है। हाँ हमें पता है, लेकिन उनसे बात करना बहुत जरूरी है। बात बाद में भी हो सकती है सर। बाद में बात नहीं हो सकती राहुल, तब तक बहुत देर हो जाएगी। बस हमें इतना पता लगाना है कि वो उस वक्त थे कहाँ। चलो जाओ। अरे सर, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है सर। रविंद्र जी कैसे हैं आप? आप? हम लोग सीआईडी से आपकी तबीयत के बारे में पूछने आए। अब आप देख ही रहे हैं क्या हालत हो रही है। हाँ, जिसने भी ये किया है बहुत बुरा हाल किया है। आपको कुछ याद है क्या हुआ था जंगल में? कुछ पता नहीं वो। पापा तकलीफ मत कीजिए, डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए कहा है। अरे ये बता रहे हैं ना, इनके साथ क्या हुआ था जंगल में? हा? किसने मारा इन्हें? आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये सब बातें बाद में भी हो सकती है। वो बहुत अच्छे लोग थे। वो कौन अच्छे लोग थे? वो किसान और उसकी बीवी दोनों बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे जंगल में पड़ा देखा और वो उठा लाए और मेरी देखभाल की। रविंद्र जी, जब आप जंगल में सैर करने निकले थे तब आपके साथ कौन था? वो यश। यश? वो वहां पहले से ही था। कौन? यश? आपने यश को देखा था ना वहां पे? हाँ, मैं उसे देख के चौंक गया था। उसने मारा आपको? हाँ, कोई झाड़ियों के पीछे। कौन? यश? नहीं, कोई और था। कोई और था? उसने मारा आपको? हाँ, अचानक उसने सिर पे मारा। किसने मारा आपको? यश ने? नहीं, बेहोश होने से पहले मैंने देखा उसे। था कौन वो? उसका चेहरा देखा आपने? क्या हुआ रविंद्र जी? पापा, मैं राहुल आपका बेटा। यही है, यही है। इतनी सेवा की मैंने पापा की और उन्होंने मुझे ये सिला दी। मैं तो बस इतना चाहता था कि वो एक तो बात प्यार से बात कर, बस इतनी इच्छा। तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? तुमने कुछ तो किया ही होगा ना? है? मैं क्यों कुछ करने लगा, मैं बेटा हूं उनका। ये तो रविंदर जी को भी मालूम है, फिर भी होश में आते ही तुम्हारी तरफ उंगली क्यों उठाई उन्होंने? पता नहीं पापा के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, पर वो मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते। उस रात तुम कहां थे? मैं उस रात को अपने घर में बैठा हुआ था। घर में बैठे हुए थे? अच्छा, फिर मैं बस ऐसे ही, इधर उधर क्या मतलब, मैं अपनी कार में बैठकर यूं ही घूमने निकल गया। कितनी दूर गए? बस आसपास। आसपास का क्या मतलब है, कार में बैठ के कोई आसपास घूमने जाता है? कहां गए थे? मैं बताता हूं कहां गए थे तुम बीजापुर गए थे। बीजापुर? मेरा यकीन मानिए सर, मैं बीजापुर नहीं गया। तुम बीजापुर गए थे, वहां जाके रविंदर जी पर अटैक कराया और उसके बाद चुपके से वापस आ गए, है ना? रविंदर जी ने हमें यह भी बताया कि तुम उन्हें धमकी भरे SMS भेजते थे, क्यों? देखिए मुझे नहीं पता कि पापा ने ऐसा क्यों कहा, पर मैंने उन्हें कभी कोई SMS नहीं की। मतलब वो झूठ बोल रहे हैं? पैसों के लिए आजकल बेटे क्या क्या करते हैं। देखिए मुझे अपने पापा के पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को अगर मेरा यकीन ना हो तो मेरे पापा के वकील हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। सर, रविंद्र जी ने मुझे एक दिन बुलाया
और कहा कि आज के आज एक वसीयत तैयार करो सर। कब की बात है ये? ये एक साल पहले की बात है। उन्होंने अपने वसीयत में लिखवाया है कि उनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी और बैंक में जो भी पैसा है वो सब राहुल को मिलेगा। और उनके जो पेंटिंग्स हैं वो भी तो काफी महंगे हैं। वो सब की सब चैरिटी में जाएंगी, गरीबों को मिलेगा वो पैसा। इसका मतलब है जब तक रविंद्र नहीं मरता राहुल को कुछ भी नहीं मिलता। कैसे मिलेगा सर, मरने के बाद ही मिलेगा सर। कहीं यही तो नहीं हुआ? हाँ सर, प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में टाइम से पहले ही रविंद्र जी को ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर दिया था राहुल ने। वो कह भी तो रहा था ना उसका काम वाम नहीं चल रहा आजकल। मगर यहाँ तो रविंद्र की किस्मत अच्छी कि वो बच गया, वरना आजकल कुछ भी होता है। बेटा प्रॉपर्टी के लिए बाप का खून भी करता है। सर एक और बात भी है। क्या बात है? सर, 3 महीने पहले रविंद्र जी को एक और झटका लगा। झटका? कैसा झटका? उन्होंने पुरानी वसीयत बदल दी और नई वसीयत बना ली। अच्छा, पुरानी वाली वसीयत बन के नई वसीयत बनवाई? जी। और इस नई वसीयत में क्या लिखा? वो मुझे नहीं मालूम। अरे नहीं मालूम, कमाल है। आपने वसीयत बनाई और आप ही को नहीं मालूम? वो नई वाली वसीयत उन्होंने किसी और वकील से बनवाई है। उन्होंने तुम्हें इस नई वसीयत के बारे में कुछ बताया नहीं? क्या बताऊं सर, उनका तो बस ऐसा ही है। मैंने कहा था ना सर, उन्हें झटके लगते हैं झटके, वो पैरानॉइड हो गए हैं। पैरानॉइड? हर बात पे शक? हाँ सर, उन्हें हैलुसिनेशंस आते हैं। मतलब अजीब अजीब से ख्याल आते हैं उन्हें? हाँ सर, पूछिए मत। उन्हें लगने लगा है कि मैं उनके खिलाफ साजिश कर रहा हूँ। अरे मेरी तो छोड़िए, उन्हें अपने बेटे तक पर विश्वास नहीं रहा अभी। मतलब सर रविंद्र जी के दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है और वो कुछ भी कर सकते हैं। माय गॉड, हुआ क्या यहां पर? किसने किया ये सब? आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। सर, हाँ, खून। आगे से राइट ले लो, डिमलो रोड पे। क्यों, क्या हुआ? उस रविंदर की गाड़ी अभी अभी तीन हाथ चेकनाके से गुजरी है। मगर ये रविंदर तीन हाथ चेकनाके पे क्या कर रहा है? उसका बेटा राहुल तो इस तरफ रहता है, कारखाने इस रोड पे। मुझे लगा वो राहुल के पास जा रहा है। जल्दी आदमी है सर, कुछ बोल नहीं सकते कब क्या कर रहे हैं। अगर हमने उसे जल्दी नहीं पकड़ा तो पता नहीं और किसका खून करेगा। सर मानव का खून रविंद्र ने ही किया है। विवेक, उस पेंटिंग को देखकर तो वैसा ही लग रहा है।
देखा ना उस पेंटिंग में खून कैसे किया है, वैसे ही जैसे मानव का खून। हेलो, हाँ अभिजीत ही बोल रहा हूँ। क्या पिंडारकर रोड अभी 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 निकला है? हाँ ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। लीजिए, अब कहीं और चला गया। पिंडारकर रोड? यस। और उसका वहाँ क्या रखा हुआ? कुछ ना कुछ तो चक्कर है दया, ऐसे तो इधर उधर भाग नहीं रहा, कहीं ना कहीं तो इसे पहुँचना ही होगा। हाँ पर कहाँ? सर एक मिनट, आज तारीख क्या है? 20 मई। क्यों सर? रविंद्र की आर्ट गैलरी में उसकी पत्नी की फोटो लटकी हुई थी सर। हाँ तो सर उसमें उनकी मौत की तारीख लिखी हुई थी सर, यही 20 मई। कहीं वहीं तो नहीं जा रहा है अपनी बीवी के घर? वहाँ कोई फंक्शन हो रहा है? किसी को फोन करके देखो उसकी वाइफ रहती कहाँ थी। हेलो श्याम, हाँ मैं विवेक बोल रहा हूँ CID से। या रविंद्र जी की पत्नी का घर कहाँ पर है? या ओके थैंक्स सर। रविंद्र जी की पत्नी प्लॉट नंबर 43 पेंडारकर रोड पर रहती थी। पेंडारकर रोड? यस सर। वही तो जा रहा है वो, जल्दी चले लो प्लॉट नंबर 43 पेंडारकर रोड। तो कोई दिख नहीं रहा, गाड़ी तो है बाहर, घर के अंदर ही छुपा होगा। देखो जरा, अभी फेंक के क्या फायदा? क्यों मारा राहुल? किसने मारा राहुल? सर खून रविंदर जी ने नहीं किया है, मारने वाले ने बाएं हाथ में चाकू पकड़ा था सर, बाएं हाथ में, खूनी खब्बू है, लेफ्टी। अरे मीरा जी, ये आप जा कहाँ रही है? आप लोग, मैं आप लोगों को फोन करने ही वाली थी, आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए कि आप सब लोगों ने मुझे सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, वो तो हमारी ड्यूटी थी। खैर आप इतनी जल्दी हॉस्पिटल से वापस कैसे लौटी? कहीं भाग तो नहीं आई हॉस्पिटल से? नहीं नहीं, हॉस्पिटल वालों ने मुझे जाने दिया। झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रेडी बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा था जब तुम इसे हॉस्पिटल लेके गए थे? सर डॉक्टर ने तो कहा था कि 3 दिन बाद इसे डिस्चार्ज मिलेगा। लेकिन ये तो आज ही भाग के चली आई। मीरा जी, आप एक लेफ्टी है ना? मतलब ये कि तुम अपना सारा काम बाएं हाथ से करती हो और हमने तुम्हें देखा है बाएं हाथ से लिखते हुए, समझी? तुम खून बाएं हाथ से करती हो ना? क्या ये आप सब लोग क्या कह रहे हो, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मानव का खून किया तुमने बाएं हाथ से और यश को
जहर देके मारा। क्यों? यश को मैंने मारा। हाँ तुमने मारा, तुमने। क्यों? यश को क्यों मारा? वो तो तुम्हारे साथ मिला हुआ था ना? रविंदर का खून करने बीजापुर तक चला गया तुम्हारे कहने पे। अरे वो बीजापुर गया ये बात मुझे पता तक नहीं है। झूठ, बिल्कुल झूठ। बीजापुर से आते ही तुमने उसका खून कर दिया, हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया उसका। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी पत्नी है या मेरी? मैं बहुत गरीब थी, मैंने रविंदर को फंसा लिया। इनका दिमाग तो वैसे भी ठीक नहीं था, मैंने इनके दिमाग में भर दिया कि इनका बेटा राहुल ही इनका दुश्मन है। दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। वसीयत भी तो बदल दिया आपने इसके कहने पर। वसीयत? कैसी वसीयत? वही वसीयत जिसमें आपने अपनी सारी जायदाद, अपना सारा पैसा इसके नाम पर कर दिया। इसके नाम पर मैंने कर दी? अरे बेवकूफ, कहाँ छुपा कर रखी है वो वसीयत? किससे छुपाई? रविंद्र जी बच गए आप। अगर वो वसीयत इसके हाथ लग जाती तो ये तुम्हारा भी खून कर देती। पता नहीं किस वसीयत की बात कर रहे हैं। एक शरीफ इंसान को धोखा दिया तुम, दो खून किए पैसों की लालच में, तुम्हें तो फांसी होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।